बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आपको शामिल कहते हैं मैं मौलाना फजल अली। सबसे पहले तो दुआ है कि जो जो लोग परेशान है, अल्लाह ताला जब उनकी परेशानी दूर करें। और अगर आप लोग भी इस टाइम कुछ परेशान है तो अपनी परेशानी करके कुछ टाइम के लिए साइड पे, और करते हैं आज की वीडियो एंजॉय। सारे का सारा बच्चा पार्टी जब लगा हुआ केज के इर्द गिर्द। मामी सब क्या मुश्किल आ रही है? गेट नहीं बन रहा। चलें जी, मैं आपको गेट बना के देता हूँ। जाली बाकी होगी कम्प्लीट? तकरीबन सारी जाली लगा दी थी, ये वाली रह गई थी, ये भी कंप्लीट कर ली इन्होंने। क्या चेयर टूटी हुई है, इसका बना ले। क्या ये चेयर टूटी हुई है, क्या बना लूं? दोबारा वो नहीं, चेयर नहीं टूटी हुई, चेयर ठीक है। आप क्या काट रहे हो, दादरी से तारे काट रहे हो? आप इंजीनियर हो तो हम हाथ जैसा सीखो, हम हाथ से कुछ लड़के सीखो कुछ। तो ये बच्चों को बना के देते हैं दरवाजा जल्दी से। बच्चों के आने में भी टाइम है, तो मेरा ज्यादा बन रहा है कि हम लोग जब तब तक केज ही काम कर लेते ताकि हमारे जो काम है वो भी साथ साथ जब क्लोजअप होते रहे। और जर्सी बदल जब बच्चे आ जाने तो उसके बाद जब उठने का मैंने प्लान कैंसिल कर दिया। वरना पहले मेरा ये प्लान ये था कि कुछ टाइम पढ़ा के फिर मतलब ब्रेक देता है और खुद जब वो काम कर लेता और फिर जब उनको स्टडी करवा लेते। फिर उसके बाद मैंने सोचा नहीं, इस तरह से ना बच्चे प्रॉपर नहीं पढ़ पा रहे थे, तो अब जब मैं 3 घंटे उनके नाम कर दूंगा पूरे के पूरे। जब तक वो नहीं आते हैं तब तक जब हम केज की सफाई कर लेते हैं, दाना कर लेते हैं और पानी कर लेते हैं। वैसे तो ऐसा कुछ ज्यादा गंदा नहीं है, ये ज्यादा गंद जो है उसके अंदर ये चारे का, ये जो खरगोशों के लिए डाला था वो खुश्क हो जाता है, उसके बाद ये गंद बन जाता है। लेकिन यह है कि फिर भी जो सफाई है वो तो करनी पड़ेगी ना। खरगोश ज्यादा जो है वो अंदर ही रह रहे हैं, आज बाहर आ ही नहीं रहे हैं। कबूतर भी इधर पीछे रह रहे हैं, तोते भी ऊपर ऊपर रह रहे हैं। तो जी हम लोग पकड़ते हैं जी झाड़ू, बहुत दूर आई है तो ओए ओए नहीं ऐसे नहीं पकड़ा जाना, इसको ऐसे रख के ऐसे पकड़ा जाएगा। फाइनली जी ये वाली झाड़ू से सफाई करते हैं, चलते हैं अंदर को। दाना तो ठीक है, अभी एक दो दिन जब वो निकाल जाएगा दाना मजीद नीचे जाए। वो काफी सारे मैंने दाने फेंके थे, तो मेरा ख्याल है यहाँ से जो सफाई है ये भी रहने देते हैं, ये बाद में कर लेंगे। पहले जब वो इस साइड की सफाई कर लेते हैं ये सारी, क्योंकि इस साइड पर जब वो दाना नहीं है, इस साइड पे जब वो बाजरा बहुत सारा पड़ा हुआ। उसके बाद इंशाल्लाह पानी चेंज कर लेंगे। रैबिट्स के साथ मुझे कुछ चेंजिंग लग रही है, क्योंकि जब ये मतलब करते हैं खारिज करते हैं अपना खाया पिया, उसमें जब काफी सारी मुझे चेंजिंग लग रही है। पता नहीं क्या रीजन है, ये मतलब बच्चे देने वाली है या पता नहीं क्या सीन है। क्या करना है आपने? नहीं आप बाहर खड़े हो तो मैं सफाई कर लूँ, तो फिर आप आ जाना अंदर। बच्चों का असल में शौक आया हुआ है कबूतर देखने का, इसलिए इनका दिल बार बार कर रहा है अंदर आने को, ताकि आके ये जो कबूतर के साथ छेड़छाड़ कर सके, और मैं चाह रहा हूँ कि ये कबूतर को ना छेड़े। सफाई का ये वाला पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया, ये वाला सारा भी दर्शी बात अभी बाहर निकालने, इसलिए मैंने इसको जब उधर इधर रोक लिया। जब वो वाला सारा बाहर निकालेंगे फिर जब वो सारा इकट्ठा करके बाहर फेंक देंगे। कबूतर को भी बाहर निकाला ताकि वो भी घूम फिर ले थोड़ा सा आजाद। नहीं नीचे दाना डाला हुआ, नीचे से खा लेगा जब खाएगा। और ये सिर्फ कबूतर के लिए जाए वो इतना राशि डाला हुआ। अब जब पानी चेंज कर लेते हैं, भाभी साहब पानी वाला बर्तन उठा के लाएं। वो ना छेड़ो कबूतर को, डर जाएगा वो। नहीं डरता, डर जाता है वो। और हमारे बच्चे भी जाओ पढ़ने के लिए आ गए हैं आहिस्ता आहिस्ता, पानी भर के फिर उनको जाओ पढ़ाना शुरू करते हैं, बाकी काम बाद में होंगे। ऐसे काफी मटक मटक के चलता है ये कबूतर, है थोड़ा एजिड है। होल डाल लो थोड़ा थोड़ा, नीचे आता है ना वो, नीचे अब ऊपर से फेंक रहे थे इसलिए आ रहा था, वैसे नहीं आता। डालो होल, डालो, डालते रहो, 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 बस बस बस। कबूतर साहब जब पर्दे में रह रहे हैं पता नहीं क्या बात है। ओए 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 आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? सोच नहीं तो भी भाग जाओ अंदर, पढ़ाई का टाइम हो गया हमारी। इस बच्चे ने की थी कल छुट्टी, इसको मैंने भेज दिया वापस अपने किसी बड़े को लेके, फिर इसको यहाँ बिठाना और साथ में इसको पनिश भी करना है ताकि दोबारा जाए वो छुट्टी ना करे। दोबारा कर ग्रुप भाग जाओ यहाँ से, अब यहाँ पे मुझे कोई नजर ना आए, अब यहाँ पे मुझे कोई नजर ना आए। 20। फाइनली रैबिट्स भी बाहर निकले अपने घर से, फ्रेश फ्रेश हो रहे हैं, साथ में दाना पानी खा रहे हैं। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि रैबिट ने जाओ या तो बेबी दे दी है, ये बहुत जल्द देने वाली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी एक नया दिन शुरू हो चुका है, ये आ चुका है हमारे पास नाश्ता, जिसमें हमारे पास सफेद चने घर के बने हुए, इसके साथ में जी हमारे पास रोटी शरीफ माशाल्लाह चोपड़ी हुई रोटी, चाय
मतलब दूध पत्ती होती है वैसे, लेकिन हम चाय कहते हैं क्योंकि इसके अंदर पत्ती वगैरह डली होती है और ये पानी। वीडियो भी कंटिन्यू होती तो बच्चे आ गए थे, फिर बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। उसके बाद मगरिब होगी, बच्चे जो है वो दरसी बात है एक दो बीच में थोड़ा सा ऐसा होता जो जरा स्लो स्लो काम करता है, तो उसको मगरिब से भी ऊपर का टाइम हो गया था तो हम उसी दिखाने लगे रहे। और उस बीच में जो है वो लड़का भी आया था कबूतर लेने के लिए, अब कबूतर भी जब उसको वापस करते हैं क्योंकि ऐसे अच्छा नहीं लगता है कि एक कबूतर के लिए जब हम अपने हमसायों का या किसी दोस्त का या किसी भी ऐसे पर्सन का जो है दिल दुखाएं, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। इसलिए मैंने उसे ये कहा, रिक्वेस्ट की, मैंने कहा आपको मैं ना सुबह माविया के हाथ भेज दूंगा, क्योंकि बेसिकली पकड़ा वो माविया ने था और माविया की जब वो चाहत थी कि हम जब वो किसी को नहीं देंगे, जो हमने नहीं देना किसी को भी, मैं कहने कि हम देंगे। लेकिन ये कभी जल्दी से करते हैं नाश्ता, फिर चलते हैं दूसरे घर में और जाके देखते हैं वहाँ के हालात क्या हैं। दाना पानी फिर से चेंज करना पड़ेगा ना, वैसे दाना हो सकता है चेंज करना पड़े, और खरगोशों को भी जब कुछ चीज़ डालनी है। कल भी जब हम नहीं ऐसा कुछ खास नहीं डाल सके थे, वरना ऐसे होता कि मैं उनके लिए जब दाना थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखता हूँ। तो जल्दी से करते हैं नाश्ता, उधर चलते हैं फिर देखते हैं बाकी का मामला। खाना तो सब जाके मैं ले आया था, मैंने कहा खरगोशों को जब डालते हैं रोटी और इसके साथ इसको डिप करते हैं सालन के अंदर, वो जब काफ़ी शौक से खाते हैं। वैसे एक साइड पर घी तो लगा हुआ है, लेकिन यह है कि मेरा ख्याल है कि उनको जो है वो हम इसी तरह से देते हैं कि सालन में डिप करके, तो मज़े मज़े से खाएंगे। मेरी चाय भी साथ आ गई है, चाय रखते हैं अपनी इधर और हम उठाते हैं कोली। वैसे कोली पकड़ के चलना कितना मुश्किल होगा मेरे लिए, लेकिन चलें लेट्स डू इट। यहाँ हम बैठते हैं यहाँ पे और इन्जॉय करते हैं अपनी चाय। वैसे कबूतर भी काफ़ी ने खरीदा है, मतलब चुन चुन के कहीं कहीं से खा रहा है और बस सर्चिंग मोड के अंदर है। वक्त हो चुका है करीब हमारे पास 1:45 का, इनके 1:50 हो चुके हैं, तो हम लोग करते हैं सफाई सफाई करके, तो जब तक हमने फ्री होना तब तक जब बच्चों ने भी आ जाना है। तो उसके अलावा हमें करना पड़ेगा आज दानों का प्लेटर तैयार, और साथ में क्या करना पड़ेगा, पानी जब वैसे तो ठीक है, कल बर्तन जब हमने चेंज किया था पानी, तो अभी तक पानी जब वो साफ़, अगर पानी भी गंदा हुआ तो चला पानी भी जब वो चेंज कर देंगे। लेकिन एक जो अपने मतलब जो काम करने वाले मेरे वो जल्दी करके मैं फ्री हो जाता फिर जब प्रॉपर हम टाइम देंगे बच्चों को। फाइनली जी रैबिट भी आया बाहर और आगे खाना खाने लग पड़ा, मेरा दिल कर रहा है कि सफाई जाओ थोड़ी लेट ही कर लेते हैं ताकि ऐसा ना हो कि मेरे जाने को ऐसे रैबिट जाए वो रोटी छोड़ के भाग जाए, मैं इसको रोटी खा लेने देते हैं। अच्छे कबूतर भी घूम रहा है खुले देते, चलो वो भी घूमगा हम ले। आपको पता ही तो बहुत कॉमन फैक्टर होता है ना कि जब भी हम काम करने का सोचते हैं तो कुछ ना कुछ हर्डल जाए वो बीच में आ ही जाती है। ये चेक करें दूसरा रैबिट भी जाए वो बाहर आ गया, लो बड़ा भूखा है वो, तो उसके आगे से रोटी उठा के भाग गया। और भाई मिलजुल के खाओ और आ जाएगी, मैंने सोचा मिट्टी ना लगे तो उसने जनाब उठा के मिट्टी पे ही ले गया, इज्जत ही कोई नहीं। मौसम चूँकि ठंडा हो रहा है जहाँ पे पानी जब कुछ टाइम के लिए पड़ा रहता है वहाँ पे जब निशान पड़ना शुरू हो गए, इसका मेरा ख्याल है कुछ अर्से तक जब हमें धोना भी पड़ेगा हफ्ते दो के बाद। लेकिन यह है कि फिलहाल जब झाड़ू के साथ करते हैं सफाई, फिर देखते हैं कि फाइनली क्या बनता है। अल्हम्दुलिल्लाह केज की सफाई जब वो कंप्लीट हो गई है, चीज़ें जब वो सेटमेंट करने वाली है, भी गंदी लग रही है लेकिन जब चीज़ों को सेट करेंगे तो वो भी ठीक लगेंगी। मट्टी वाली जगह के साथ जब वो छोटी छोटी मट्टी नीचे गिरी हुई है ये जब उठा के बाद में अंदर फेंक लेंगे ये वाली लकड़ी उठाने के बाद, लेकिन अभी जब मैंने इसको थोड़ा सा कुछ ऐसे छोड़ा है क्योंकि रैबिट्स भी हैं और पिजन भी है तो वो डर रहे थे। माविया आपसे काम है, बड़ा ज़रूरी काम है, आपने करना पता क्या, वो अंदर एक हमारे कबूतर पड़ा हुआ ना वो पकड़ो और पीछे देख आओ उनको भाई को। कौन? कबूतर। कबूतर मैंने नहीं देना। नहीं ये देते हैं ना तो फिर हम बाद में अपने ले आएंगे। कबूतर नहीं मिलना, कबूतर मैंने पकड़ा था। आपने पकड़ा था ना, लेकिन वो जिसका है आप उसको वापस तो करना। मैंने पकड़ा, चलो आप मुझे बेच दो। नहीं मैं नहीं बेच रहा, मैं चोरी कर लिया आपसे। नहीं पता क्या, देखो आप खुद दे के आओगे ना तो वो ज्यादा बेहतर है, मैं उसे कहूँगा उठा के ले जाते फिर आप कहोगे आओ मेरा कबूतर दे दिया। नहीं मैंने नहीं, जाओ दे के आओ और साधन को बोलो कि ये लो आपका कबूतर है, खुश रहो, दिल बढ़ा के दिखा गया उनको। नहीं मेरा दिल छोटा है। नहीं बहुत बड़ा दिल है आपका, आप अच्छे बच्चे हो। कबूतर पर इतनी तारीफें होती हैं आपके कमेंट्स के अंदर। कबूतर नहीं देना, कबूतर देना है, वीडियो बन रही है देखो, मैं वीडियो में बता भी दिया कि कबूतर दे देना हमने उनको। आप कबूतर नहीं देना वीडियो जो देख रहा है वीडियो।
यार आप इसे मोटिवेट करें, मेरी बात तो ये मान नहीं रहा। हाँ कोई और आ जाएगा, आ जाएंगे ना, जब लाएंगे ना तब दे देंगे। नहीं ये इनको देते हैं ना, आप केज अपना कंप्लीट करो ना। केज मेरा कंप्लीट नहीं, कंप्लीट अभी इसका दरवाजा लगने वाला है, फिर जो है वो आ जाएगा। ठीक है चलो लेके आओ बाहर कबूतर जल्दी। कबूतर नहीं वाले देना, देना है कबूतर हमने, ले जाना दूसरे का कबूतर देना है हमने। ऐसे अच्छा नहीं लगता, उसने सारी बताई थी, उसी का कबूतर है ये। क्या उसने बताई थी? उसका पैर एक लाओ, हम पैर दिखा देखते हैं। उसने कहा था उसका एक पाँव जो है ना उसका नाखून नहीं है, नाखून इनके कटा हुआ उसका। और ये भी काफी लंगड़ा है। लाओ 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 जल्दी, काफी कोशिश कर रहा हूँ कि मान जाए, ना मानेगा तो फिर जबरदस्ती भेजना पड़ेगा, लेकिन भेजना तो है ही हमने। ले आओ माविया, इतना टाइम कटा हुआ ना। वो तो उसे छोटे ने कहा था ना, अली असगर ने कहा था ना आपको ये, लेकिन दानी भाई ने ये मुझे बताया था, दानी भाई ने बताया था कि ये इसका जो ना वो एक नाखून उतरा हुआ है साथ ही इनके, तो देख के बता दिया ने, ये दे देना चाहिए ना यार, इसका नाखून भी उतरा हुआ है, पर कटे हुए इसके। दोबारा आएगा ना तो फिर पकड़ लेंगे। और ये भी कटा हुआ था, इस वजह से पकड़ा गया था। कुछ नहीं होता उसको, एक मिनट लगता है। नहीं हमसे तो नहीं आता। नहीं नहीं मावी खुद देख के आएगा, पकड़ाए जी मावी को। चलो जाओ जल्दी से इधर आओ। कबूतर नहीं देना मैंने, कबूतर देना है मैंने, हमने देना है कबूतर। आप लाएंगे दे देना, मैंने नहीं देना, ये वाला इधर लाओ दिखाओ, इधर लाओ जी, आवाम को दिखाते, ऑडियंस को दिखाते हैं क्या इसको बोतल में, इधर लाओ जल्दी। वो देखो उसको पता भी है अपने घर। वो कहते हैं ना चोर नाल पांडकाली, वो साहब है वो खुद नहीं जाने के हक में, तो क्या करे बंदा। बात सुनो मेरी, बात है इज्जत की, तो आपकी इज्जत बढ़ेगी तो कबूतर का क्या, कबूतर तो आता रहता है। ऐसा अच्छा नहीं लगता ना, मल्लेदारी है, रिलेशन है, मल्लेदारी कोई नहीं है। फिर आप उनकी गली में जाओगे तो वो आपको पकड़ के बाहर लेंगे, वो कहेंगे ताड़ा मंडा साड़ी गली से आया थी। मैं उनकी गली में नहीं जाऊंगा, मैं उनकी गली में जाता। दिखाओ कबूतर इधर, मुझे तो दिखाओ ना। आपने मुझे बताया किसी को दे, आप ही दे के आओगे वापिस, मैं कह रहा हूँ ना, लाओ इधर वैसे दिखाओ। इमानत पकड़ा लो, इमानत। तो जी ये रहा कबूतर, तो जिसके पीछे जाए वो माविया साहब दिल छोटा करी बैठे हैं, सारे मोहल्ले वालों से लड़ने को फिर रहा बेचारा, शर्म तो नहीं आती है कबूतर के लिए। ये कबूतर देख के उन्हें वापस, अब मैं इसके बाद मुझे कहने की जरूरत ना पड़े। इधर को इधर आओ, नहीं आ रहा मैं, इधर आओ। मैं सीरियस हूँ, सही बात है, कबूतर नहीं मैंने देना। मैं आपसे ज्यादा सीरियस हूँ, देख के आओ। चलो मैं भी सीरियस, उठो मैं फिर आपको करूँ सीरियस, पकड़ने आ रहे। चलो पकड़ा के वापस, दाने बता के आना कि दाने पे का कबूतर है, ठीक है। उधर को वो गली है, चलो नहीं उधर देख के आओ, मैं फिर आपको एक बात बताता हूँ, जो देखे देख के आओ ना फिर बताता हूँ। बैरकअप जी हमारा टास्क जो है वो कम्प्लीट हो गया, और थोड़ा सा मुश्किल था लेकिन हो गया। कबूतर जाता जा रहा है, सीधा जाता जा रहा है, जाता जा रहा है। नाली में गिरेगा गंदा हो जाएगा, और माविया की दिली ख्वाहिश पूरी हो गई, वो घर पे नहीं है जिनका कबूतर देने जाना था। नहीं, है ये। नहीं मैंने सुन ली है, वो कह रहे हैं वो घर पे नहीं है, साथ वाले ने बताया है, तो नहीं बाद में दे देंगे उनको। चलो अभी छोड़ दो इसके अंदर, एक दिन और आपका हुआ ये, एक दिन के लिए। इसको उड़ा देते हैं, नहीं उड़ा नहीं देते, हम अंदर रख देते हैं केज में जाके। कबूतर साहब चले गए अपनी पीक के ऊपर, मेरे पास ही पढ़ने वाले बच्चे आना शुरू हो गए हैं। अब टाइम देते हैं बच्चों को और बाकी काम करते हैं जी। स्टॉप, रैबिट्स के लिए घास टल है, रैबिट जब आके खाना शुरू हो गया, दूसरा नहीं आया बाहर। मेरा ख्याल इन्होंने वाकई जब अंदर बेबी दे दी है, मुझे ऐसा लग रहा है, या कोई पता नहीं क्या सीन है, बाहर नहीं आ रहे दोनों एक साथ।
आज मेरे पास दो ही बच्चे आए थे और दोनों जो है वो मुझे काफी ज्यादा इंसिस्ट करके तो मेरे से जो ब्रेक लेके चले गए। मेरे से चले डायरी जब उन्होंने अच्छी कर ली थी आज, मतलब स्टार्टिंग उनका अच्छा था, अभी जब उनको एक्स्ट्रा काम ही करवाना था। मैंने सोचा चले आप जब 10-20 मिनट जब रिलैक्स होकर आ जाओ तो फिर जब इंशाल्लाह हम बाकी का काम करता। तो ये कि इनको चले 10 मिनट की मैंने सोचा ब्रेक दे देते हैं, उसके बाद जब इनका टाइम जो मैं ज्यादा एक्सीड कर लूंगा, मतलब बाद में जब इनको ज्यादा टाइम इनका ले लूंगा। कबूतर तो ऐसे ऐसे अंडों पर बैठ गए, तोते भी आके खाना खा रहे हैं, लेकिन ये कि ताना इनके पास जो है वो तकरीबन ठीक है दाना वाना, लेकिन चलें बाद में जब इंशाल्लाह मजीद ऐड कर देंगे। सफाई करने के बाद पानी वाले बर्तन पे भी जाओ, थोड़े बहुत पैर वगैरह गिर गए हैं तो ये भी साफ करते हैं, लेकिन अभी नहीं बाद में। अजान इशा का टाइम होने वाला और बच्चे तकरीबन सभी जा चुके हैं। मैं भी एक चीज़ बड़ी मजे की गौर कर रहा था फूड की जो है वो तरसील की। परिंदा जो है वो ऊपर आके बैठा वहाँ पे आके, वैसे यूजुअली जो है पैर नहीं मारते हैं, उसने ना पैर मारे, पैर मार के जो बर्तन है उससे दाना उसने नीचे गिराया, नीचे फिर इधर से कबूतर ने भी खाया और रैबिट्स भी जाए वो इधर नीचे से खा के गए सारा। कुदरत का कितना बेहतरीन निज़ाम है खाने की सारी तरसील का, मुझे तो अच्छा लगा। मवेश भी आ गए फट फुट के अपना काम करके आ गए, चल अब कबूतर दे जाओ उनको। शाम का खाना हमारे पास आ गया और शाम के खाने में जी आलू शोरबा, इसके साथ चावल हो तो ज़्यादा मज़ा आता वैसे, बट हमारे पास है जी रोटी, माशाल्लाह मज़ा आने वाला है इसके साथ भी, चोपड़ी भी रोटी और साथ में ये सारा।